हेलो व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी और आज हम बात कर रहे हैं टाइफाइड फीवर। हमारे कुछ राजस्थान के एरिया में इसे निकल गया है ऐसा भी बोला जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी समर्स का जो वेदर है वो स्टार्ट होने वाला है और जो हमारा खाना है वो काफ़ी प्रदूषित हो जाता है और उसी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेशन बढ़ जाता है खाने और पानी का, तो ये मुख्य कारण है टाइफाइड फीवर होने के। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है, वो किस तरह से फैलता है और उसका हम डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा इसका होम्योपैथी में क्या क्या उपचार है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताऊंगा, अगर आपको टाइफाइड बार बार निकलता है, आप परेशान हैं कि हर साल ही मुझे टाइफाइड हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगा। अगर आप उस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको टाइफाइड होने की समस्या है वो बंद हो जाएगी। देखिए, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा जो टाइफाइड है वो बिगड़ गया है और हमें हर साल टाइफाइड होने की समस्या हो जाती है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिससे जो बिगड़ा हुआ टाइफाइड है वो सही हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल समर्स में, गर्मियों के मौसम में, कि टाइफाइड हो जाना। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रेड सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे प्रेस कर दें और उसके पास में एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें। टाइफाइड की प्रॉब्लम है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसको हम साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए, ये जो टाइफाइड फीवर है बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो जो इसके लक्षण है वो आपको लक्षण 6 से 30 दिन में दिखाई देने लग जाते हैं। अब हम आपको समझाने के लिए इसके सिम्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अर्ली इनेस यानी कि शुरुआती दौर में क्या क्या लक्षण आएंगे, तो वो है जो इसका मुख्य लक्षण है वो है बुखार। यह जो बुखार है वो लो से स्टार्ट होकर हाई ग्रेड पे चला जाता है। हेडेक यानी कि सिर दुखना, कमजोरी या थकान, मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द, पसीना, सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ, भूख ना लगना, उल्टी, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना और छाती और जो आपकी बैक है उसमें लाल लाल निशान हो जाते हैं जिन्हें हम रोज कलर्ड स्पॉट्स कहते हैं। यह कुछ लोगों में दिखाई देते हैं, यानी कि मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो हाई ग्रेड फीवर मतलब अत्यधिक शरीर का तापमान बढ़ जाना, उसके साथ में पेट की तकलीफें होना, अगर आपके साथ में है तो यह टाइफाइड हो सकता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखें, कभी कभी होता है कि खांसी आती है साथ में बुखार होता है तो उसे कुछ और ही समझ लिया जाता है और जो है वो कफन कोल्ड की मेडिसिन लेते रहते हैं। अगर आपको बुखार है और साथ में पेट की तकलीफें हैं तो यह टाइफाइड भी हो सकता है। अगर इन लक्षणों पे व्यक्ति उपचार नहीं लेता है तो यह जो बीमारी है वो आगे बढ़ती है और लेटर जो स्टेज है उसमें डिलीरियम यानी कि जो प्रभावित व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, वो अटपटांग बोलने लग जाता है, उसे पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, और अगर और भी तकलीफ बढ़ती है तो जो व्यक्ति है वो चुपचाप थकान में एक जगह ही पड़ा रहता है, उसकी आंखें जो है वो पूरी नहीं खुलती है, आधी ही खुलती है, इसको हम प्योरली टाइफाइड स्टेट कहते हैं। तो ये थे टाइफाइड फीवर के लक्षण। अब हम बात करेंगे हम इसको कैसे जान सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, निदान कैसे कर सकते हैं कि यह टाइफाइड ही है। देखिए, जो मैंने लक्षण बताए हैं वही हमें बता देते हैं कि ये टाइफाइड है या नहीं है। तो उसके अलावा इसका हम खून से, पेशाब से, मल से जांच कर सकते हैं उस बैक्टीरिया की कि वो टाइफाइड है या नहीं है। और एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है इसका विदार टेस्ट, जिससे आसानी से पता लग जाता है कि टाइफाइड है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह प्रभावित करता है, मतलब इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए, सबसे जो मुख्य है इसमें इसका फैलने का वो तो जो कॉन्टामिनेटेड फूड है, मतलब दूषित खाना या पानी, अगर उसमें साल्मोनेला का बैक्टीरिया है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और उसको खाने से ये फैल सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत ज्यादा कांटेक्ट है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल और यूरिन से फैल सकता है। देखिए, ध्यान रखें जहां से आप अपना पानी भरते हैं, हो सकता है वो नदी हो या तालाब हो या फिर कुआं हो, तो प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ उन जलाशयों में नहीं मिलने चाहिए।
अगर वो मिलते हैं तो वो जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है और उसे आप पीते हैं बिना उबाले तो आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास में आते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो पता लगता है कि वो ऐसे एरिया से अपनी सब्जी खरीदते हैं जहाँ पे प्रदूषित पानी है, उन प्रदूषित पानी में वो सब्जी उगाई जाती है, उसे साफ नहीं किया जाता है। और जो आजकल ये देखने में भी आता है, जो फ्रूट और वेजिटेबल सेलर्स हैं वो अच्छा पानी, शुद्ध पानी यूज नहीं करते हैं अपनी सब्जियों पे छिड़कने के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना धोए अगर खाया है तो उससे भी टाइफाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और काफी बार मैंने नोटिस किया है कि जो पानी है वो तो अच्छा होता है पीने वाला, लेकिन कुछ लोग जो है वो नहाते वक्त जो टंकी का पानी होता है ऊपर का उसको मुंह में ले लेते हैं और कई बार वो अंदर भी चला जाता है। इसकी वजह से भी आपको जो है वो टाइफाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मैं बात करूं थोड़ी सी आपको डराने की, और अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ही भयंकर हैं। यह जो है वो पेट की प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग या फिर आंतों में होल्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, दस्त आते हैं। और अदर में अगर इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो इसमें हार्ट की मसल्स का, हार्ट के वाल्व्स का भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिन्हें मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस भी कहा जाता है। इससे निमोनिया हो सकता है, किडनी और ब्लैडर का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं, जो कि है प्रिवेंशन, इसके से हम बचाव कैसे करें। तो काफी चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो में। देखिए अपने आसपास सफाई रखें, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना ही खाएं, गर्म खाना खाएं, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें, जो सैनिटेशन है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर आप गर्मियों के मौसम में ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं तो उनमें जो आइस है उसको विशेष तौर पे ध्यान रखें कि वो जो आइस है वो कौन से पानी से फ्रीज की हुई है, इंपॉर्टेंट है। नहाते वक्त जो है वो पानी को मुंह में ना ले, उसे निगले ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले बिल्कुल अच्छे पानी से धोएं। खाने के अंदर हॉट फूड, गरम गरम खाना ही प्रेफर करें और पानी को उबाल कर पिएं। टाइफाइड फीवर अगर आपको हो जाता है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड फीवर अगर आपको हो गया है तो आपको हाई कैलोरी फूड लेना चाहिए, जिसमें है चावल और कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड ले सकते हैं आप। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, साफ पानी लें, जूस लें, सूप और दूध पिएं, दही लें, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो यूज है वो ज्यादा करें। अगर आपको मीठा खाना है तो आप शहद ले सकते हैं। कम फाइबर वाले पदार्थ हमें लेने चाहिए, जैसे कि मैदा और सूजी। आप गेहूं की रोटी ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, क्योंकि यह जो प्रॉब्लम है उसमें हाई कैलोरी मतलब ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको बार बार खाना है। ये तो थे जो हमें खाना है, और मैं बता रहा हूं अब कि आपको क्या नहीं खाना है। देखिए आपको फाइबर जो फूड है वो कम से कम लेना है, जैसे कि कच्चा केला और पपीता। आपको ऑयली फूड टोटली अवॉइड करना है, आपको घी तेल ये भी अवॉइड करना है, बाजरा और मूंगफली भी आपको अवॉइड करनी है, गोभी, शिमला मिर्च, सलजम, मूली, प्याज और लहसुन आपको अवॉइड करना है। ये वो सब चीजें हैं जिनसे गैस बनती है और पेट फूला फूला रहता है, तो इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके जो पेट के सिम्टम्स हैं उनमें आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथी से उपचार क्या करें। देखिए होम्योपैथी उपचार जो है वो होलिस्टिक अप्रोच है, एज ए होल हम ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। शुद्ध पानी पीना, गर्म खाना खाना, हाथों को बार बार धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब के बाद में भी अगर आपको टाइफाइड का प्रॉब्लम हो जाता है तो इसकी जो सबसे मुख्य दवाई है वो है बैक्टीरिया टिंटोरिया 200 पोटेंसी में। जो टाइफाइड के सिम्टम्स है वो सेम आपको मिलेंगे, इसके साथ में ऑफेंसिवनेस मिलेगी यानी कि बदबू आती है, सोर और ब्रूइस फीलिंग होती है पूरे शरीर में, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो। तो इसकी 200 पोटेंसी आपको दिन में तीन बार लेनी है। इसकी जो आप बैक्टीरिया टिंटोरिया की जो मैंने फोटो लगाई है मेडिसिन की, उसकी 5-5 बूंद आपको दिन में तीन बार लेनी है एक चम्मच पानी के साथ। इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कार्बोवेज और आर्सेनिक। देखिए अगर आपको टाइफाइड की वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी है और बहुत ही चिंता रहती है और वीकनेस है तो आप कार्बोवेज या आर्सेनिक में से 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसनलिस 30 पोटेंसी में। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, एनीमिया हो गया है, हेडेक है और चक्कर आते हैं आपको, बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है तो आपको चाइना ऑफिसनलिस 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स और आर्निका। अगर बॉडी एक रहता है, मसल्स में दर्द है तो आप रेस्टॉक्स और आर्निका 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है मतलब कब्जी हो गई है तो आप
ब्राइनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। इचनेशिया मदर टिंचर, देखिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और अगर वीकनेस है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इचनेशिया मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका टाइफाइड के बाद में आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है और आपको लगता है कि जब से मुझे टाइफाइड हुआ है मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसके लिए मुख्य मेडिसिन है एसिड फ्लोर, कार्बोवेज और बैक्टीशिया। यह तीनों दवाइयां आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको बार बार टाइफाइड होने की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको हर गर्मियों के मौसम में टाइफाइड हो जाता है, तो आप बैक्टीशिया 200 की एक डोज सुबह सुबह 3 दिन ले सकते हैं, तो आपको समर्स में टाइफाइड नहीं होगा। तो ये था हमारा वीडियो टाइफाइड के ऊपर, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।